इतना गुस्सा आया मन किया दोनों को जाके मार चप्पल के मुंह घुमा। कभी कभी हमें जिंदगी का मजा लेना चाहिए सब कुछ छोड़ कर। हेलो व्हाट्स अप। तो आज का दिन हम यहीं से शुरू करते हैं। बेसिकली अभी तो बज रहे हैं 9:30 बजने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज की सुबह हो गई, आप सब देख सकते हैं हम नाश्ता करने आए हैं। सो अभी एक्चुअली हम सब लेट हो गए थे और यहाँ पे बुफे 10 बजे तक खुला रहता है। ये लोग तो पहले आ गए थे, मैं लेट में पहुँचा हूँ क्योंकि ये बाथरूम में बैठ के क्या कर रहा था पता नहीं। तो मैं अभी यहाँ पे नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ता करके नीचे जाके मुझे वर्कआउट करना ही पड़ेगा क्योंकि दीदी चप्पल वप्पल लेके बैठी रहती हैं। तो चलो बेटा आप शुरू हो जाओ। सो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, वो लोग जल्दी नीचे चले गए क्योंकि उनको मेकअप और हेयर करना था दीदी का। मैं तो खाली बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे को वर्कआउट करना है क्योंकि नीचे जाके एज अ पनिशमेंट मैं दीदी मुझसे करवाएंगी क्योंकि वो आज मुझसे थोड़ा गुस्सा भी है, मतलब वो नहीं बोल रही है ज़्यादा, तो दूसरे से बुलवा के काम करवा ही रही है कि उसको बोलो ये कर ले वो कर ले, विच इज़ गुड फॉर मी। एक्चुअली मैं करूँगा अभी, एक्चुअली यहाँ के जिम में मैं सोच रहा हूँ जाऊँ, लेकिन ऊपर ना ये रिजॉर्ट है तो ऊपर टीन टाइप्स लगा हुआ है और यहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है, अंदर फैन वैन भी नहीं है तो बहुत गर्मी होगी, इसलिए मैं यहाँ के जिम में नहीं जाऊँगा। वरना मैं जितना मैं वर्कआउट नहीं करूँगा उतना पसीने से भीग जाऊँगा, मुझे वैसे ही पसीना बहुत निकलता है, तो इसलिए मैं अभी होम वर्कआउट करूँगा मैट लगा के, अंदर दीदी जैसे बोलेगी वैसे कर लूँगा। दीदी कितने बजे शूट है आपका? दीदी बाद में कर लो, अभी जस्ट खाना खा कर आए। ठीक है 5 मिनट में कर लेगा पक्का। 5 मिनट में आप क्या करके भेजो ना यार, कब से नाश्ता करने का आया ही नहीं रहा। यश हाँ यार, यश शायद बाथरूम में गया। उसको बोलो मैं बेस सो रहा हूं यहां पे। दीदी आप आपके वो अपर लिप ज्यादा आ गए हैं, थोड़ा वो ठीक करा लीजिए। अभी बब्बर आ ही नहीं रहा ना, अच्छा नहीं लग रहा। हां बब्बर कौन है? तुम सब नहीं समझोगे, ये मेरा एक्स है। सो गाइस आज हमारा भी शूट है, थोड़ा बहुत ऐसे ही मतलब हम भी बोर ही हो रहे थे बैठे बैठे, तो हमने इम्प्रोवाइज करके अपने कैरेक्टर्स फिल करा लिए, मैं और यश दोनों करेंगे कुछ ना कुछ ऐसे ही। सो गाइस आज मैं मेकअप आर्टिस्ट एक्टर भी बन गया हूँ, 2 दिनों से कल भी बना था। होम प्रोडक्शन में यही होता है, अगर अपने घर की शूटिंग है तो प्लीज मत जाना, तुमको सब कुछ करवाएंगे वो, बोलेंगे ये खाना भी दे दो, पानी पिला दो, मेकअप भी कर दो, एक्टर भी बन जाओ। ओ शिट मैं ये चप्पल पहन के आ गया। हाँ तो चलो चलते हैं, व्हाइट शूट है ना यार। हाँ तो जाओ पहन के आओ, मैं चेंज करके आ रहा हूँ। गाइस ये जो साइड में लगा रहा है ये शार्पर नोज के लिए होता है ना, आपकी नाक थोड़ी शार्प दिखेगी, तुमको तो सब पता है बे। तो इसलिए कैमरे के पीछे जो दिखता है वो कैमरे के आगे नहीं होता है, कैमरे के आगे की सच्चाई कुछ और होती है, कैमरे के पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। सो गाइस हम दोनों रेडी हो चुके हैं, मैं और मेरा भाई, मेरा दोस्त सेट पे बहुत अच्छा दोस्त बना मेरा यश। तेरे नालो चली हसीन कोई ना, अरे चने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदो तेरे मोटे उत्ते सिर रखिया। सो गाइस बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब यार हमारा हालत ख़राब हो जा रहा है। और इधर ये हमारे स्नैपचैट के बादशाह आज पहली बार स्नैपचैट चला रहे हैं, तो कब से फोटो पे फोटो खींचे जा रहे हैं। स्नैपचैट एकदम चेहरे को आपके चिकना कर देता है, अगर आपको पिंपल है, एक्ने हैं, छाइयां हैं, तो इसका सिर्फ एकमात्र इलाज है स्नैपचैट कैमरा। कोई डॉक्टर वगैरह दुनिया जहान में कोई ऐसा नहीं है जो आपका इलाज कर सकता है। तो गाइज अभी हम दूसरे लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, मतलब वहीं जहाँ पे जिस जगह पे हैं वहीं से दूसरे लोकेशन पे। हाय गाइज माय नेम इज खालिद अहमद खान, इनका नाम है अजय श्रीवास्तव, पूरे ब्लॉग राजू श्रीवास्तव। गाइज नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ राजू श्रीवास्तव, आज के रंगारंग कार्यक्रम में आपका जोरदार स्वागत है। एक बार जोरदार गालियों से हमारे सस्ते एक्टर का स्वागत करें। यश भाई कैसा लग रहा है आज एक्टर बन के आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम पहले तो एक्टर है तो हमें अच्छा ही लगता है। मैं इससे पहले 10 हिंदी फिल्में कर चुका हूँ, आप सबको भी पता है। इस वाकई में यश इतना मंझा एक्टर है, कि एक्सप्रेशन तो मत ही पूछो, मतलब भर भर के एकदम फ्लैट एक्सप्रेशन दे रहा है और इसकी फैन फॉलोइंग से पूरा फील्ड खचा खच खाली है। सो देखो हमें कितना प्रॉब्लम हो रहा है, इतनी क्राउड इकट्ठी हो गई है जिस वजह से हम शूट नहीं कर पा रहे हैं। एक तो बारिश अलग हो रही है, इधर बारिश अभी तक हो रही है और शूटिंग इधर चल रही है।
जब हल्की बारिश हो और आप वॉक करिए बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरा ऐसा फीलिंग है, ऐसा मानना है। आपको भी अच्छा लग सकता है अगर आप कभी ट्राई करिए तो। ऐसा नहीं होता कि आप हर बार बारिश से बीमार पड़ जाएंगे, कभी कभी हमें ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहिए, सब कुछ छोड़ कर बारिश में भीग जाना चाहिए, पानी में बह जाना चाहिए, हवाओं में खो जाना चाहिए। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, आंखें तो दिख रही हैं, क्या फायदा नकाब का। चलो चलो रुक, इतना प्यार से कोई दे भी रहा है ऊपर से मार देती है। इसकी जगह बजना चाहिए हमें छापरी, हमें छापरी इस वाले जूते पे। इसने आज हमारा पूरा रूम साफ किए हैं। आज आपको शाम को दाल खिचड़ी 2 प्लेट मिलेगा, ठीक? इतना बड़ा इनाम मिल रहा है, मंच पे दिया जाएगा दाल खिचड़ी आपको। सो अभी हमारे रूम की हो रही है शिफ्टिंग, सारे सामान दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना झूला नहीं था, और जहाँ ये झोपड़ वाला है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा सा झूला है, तो रूम के बाहर ही है। ये रहे हमारे थोड़े से सामान, मतलब ये आधा सामान होगा जो अपने घर से लेकर आए, बाकी इससे इसका 3 गुना रूम में अभी पड़ा होगा। बोलेंगे नहीं, बोलो तुम कैसे मेकअप आर्टिस्ट हो, बता दे। बढ़िया मैं बताओ ना, देखो गाइस मैं बताता हूँ, ये बहुत भोला है यार सच में, इसका कहने का मतलब है ही इज अवार्डेड मेकअप आर्टिस्ट। हां अवार्डेड है, ये बोल रहे थे अवार्डेड है, हम लोग अवार्डेड वही में पूछ रहे थे अवार्डेड क्या होता है, क्या आ रहा था क्या मेरे में। काफी दिन से शूट कर रहे हैं और लेकिन जाते नहीं है, मतलब कहीं घूमने मस्ती करने, तो आज अरे चार्ज में लगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओ मुझे लगा क्या बोल रही है, दीदी को अपना व्लॉग बनवाना था और वो ऐसे नाटक कर रहे थे, मुझे लगा क्या कर रही है। हमारा मतलब स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है, यही हम पहन के स्विमिंग करने वाले, क्योंकि रात में अलाउड नहीं है स्विमिंग। स्विमिंग कॉस्ट्यूम वहां से लूंगा, मुझे देंगे तो, नहीं अभी शायद नहीं देंगे, रात में अलाउड नहीं है। और दीदी का मूड थोड़ा ऑफ था तो मुझे बुरा लग रहा था, पर मेरी वजह से ठीक हो गई है, अभी दीदी ठीक हो गई है, तो मेरे को ऐसा सुकून मिल रहा ना, आया बहुत बुरा लग रहा था यार, वो मेरे से बात ही नहीं कर रही थी ठीक से। अब देखो इसने आज ऐसे गुस्से में आ गई, अब मैं उनको बोलूंगा छोड़ो, आप क्यों आई हैं चेंज के लिए? नहीं दीदी कर ली चेंज, तो क्यों बुलाए? बुलाए थे अभी, बोले ठीक है, झूठ बोल रहा है दीदी, नहीं बुलाया, एक बार भी मैं यहीं पे था। क्या यही प्यार है, सता रहे हो तुम? दीदी बुलाएंगे सच में, इसका मतलब था कि चलिए कि आप बेड में बैठने के लिए आए हैं, पूल में बैठना था। लड़की बनेगा मेरे व्लॉग में? नहीं बनूंगा, भले अनाउंसमेंट हो जाए। मैं पहनती हूँ, दीदी बोलेगी तो नहीं, दीदी बोलेगी तो जान भी दे सकता हूँ, दीदी बोलेगी कि मेरा कपड़ा पहन ले भाई तो नहीं, तो क्यों पहनना है? टी-शर्ट पहनती हूँ ना मैं। अच्छा इस हिसाब से तो फिर तो नहीं मैं सब नहीं पहन सकता, पर प्लीज उसको मत देखना गाइस, वो वीडियो देखना जरूर देखना, मैं रिपोर्ट कर लूंगा सबसे पहले अपलोड होते। वाओ ये बहुत अच्छा डाइट फॉलो कर रही, दिन भर कुछ नहीं खाई है, अचानक से एकदम पास्ता खा के पूरा डाइट भी बर्बाद। सही में आप दिन भर कुछ नहीं खाती हैं और फिर आपका मन ऐसा चीज कर देता है कि पूरा आपका बर्बाद हो जाता है। इनको कमेंट करो कि ये वर्कआउट ठीक से किया करे, दूसरे को मदर टेरेसा बनी फिरती हैं, दूसरे को वर्कआउट वीडियो कॉल पे करवाती हैं, मेरे को चप्पल मार के करवाती हैं, खुद नो वर्कआउट्स। नहीं एक दिन की थी कल, नॉट एट ऑल। आज की थी आप वर्कआउट? आज तो सुबह से ही उठ के तुम लोग का चाल देख के हम डिस्टर्ब हो गए। इतना गुस्सा आया, मन किया दोनों को जाके मार चप्पल के मुंह घुमा दे। मेरे को भी? हाँ पर मैं तो सबसे पहले उठ गया था, 6:45 में मैं उठ गई। नहीं उठो विवेक, उठो विवेक, विवेक इतना बड़ा मुंह बाके टाइम पास जो कर रहे हो, जाओ ना। आपने चल लिया? चल रहे, कुछ ऑर्डर करके आते हैं। यार पता है पूल अभी रात में अलाउड नहीं है क्योंकि इसमें क्लोरीन पड़ गया है ताकि पूल साफ हो सके, पर तो मुझे नहीं लग रहा है, हाँ मुझे नहीं लग रहा है कि क्लोरीन पड़ा है, तो गंदा है क्योंकि अंदर की टाइल्स दिख नहीं रही है।
नहीं नहीं देख रही है मेरे को, मे बी कल सुबह ही पूल में जाएंगे, दीदी को मना करना पड़ेगा। सो गाइस अभी पूल में तो नहीं जा पाए इसलिए हमें जिम जाना है, क्योंकि टाइम को वेस्ट नहीं करना है, कंज्यूम करना है जैसे कर सकते हैं टाइम को। पास में ही जिम है, मतलब जस्ट हमने जो अभी रूम में शिफ्टिंग किया उस रूम के जस्ट बगल वाले में सामने हम पहुंच गए जिम में। आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल पाकिंग शुरू हो गया। एक्चुअली हम लोग आज पूल में नहीं जा पा रहे, तो हम मैं इससे पहले आया था, मैंने कुछ जिम का पार्ट जो भी होता है कर लिया। ज्यादा तो नहीं किया लेकिन जितना किया अच्छे से किया, और पुल में तो नहीं जा पाया यार।